कल मवाइमा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। परिजनों की तहरीर पर FIR पंजीकृत की गई थी। उसी घटना का आज खुलासा किया जा रहा है। घटना में जो अभियुक्त है, उनका नाम मोहम्मद हासिम है, वो मृतक के सगे चाचा थे। अभियुक्त ने पूछताछ में यह बात बताया कि इनके पिता से और इनके भाई से इनका मकान को कब्जा कर लेकर विवाद चल रहा था और काफ़ी दिनों से इसका ये आक्रोश था और रोज़ घरों में विवाद चल रहा था, इसीलिए इन्होंने घटना की है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो चाकू है वो बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें दो भाई हैं, दोनों सगे भाई तासीम हैं। इनका नाम मोहम्मद हासिम है और इनके सगे भाई का नाम मोहम्मद कासिम है। तो कासिम और उनकी पत्नी ये एक घर में रहते, तो ये जिस घर में रहते थे उनके भाई हैं वो उसमें हिस्सा मांग रहे थे। कासिम अलग अलग रहते हैं, ये हासिम है और वो है कासिम। कासिम से हिस्सा मांग रहे थे क्योंकि ये जो मांग रहे थे इनसे, क्योंकि वो एक पुश्तैनी मकान में अपने रह रहे थे, ये पिता के साथ रहते थे। और इनका भाभी है, भाभी का कहना ये है कि भाभी हमको ज्यादा परेशान कर रही थी कि अगर हमें अभी हिस्सा नहीं मिला इस मकान पर तो बाद में भी हमें हिस्सा नहीं करना है। बच्चे से ऐसा कोई भी इनका विवाद नहीं था, लेकिन आक्रोश में आकर के इन्होंने ये थे और उसके बाद चाकू घर में छुपा दिए। अब चाकू को रिकवर किया गया है, इनकी पैंट, चाकू सबको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इनसे आप यदि पूछताछ करना चाहें तो ठीक है, बच्चे को इन्होंने आक्रोश में मारा है। कैसे? ये है कासिम। कासिम जो है वो अपने गए थे काम करने के लिए। कल जो बच्चा है, कल बच्चा की मद्रासा में पढ़ता था तो उनकी छुट्टी चल रही थी, उसकी छुट्टी चल रही थी तो उसने सोचा अब ये मौका सही है। देखिए, इसमें दो भाई हैं, दोनों सगे भाई तासीम हैं। इनका नाम मोहम्मद हासिम है और इनके सगे भाई का नाम मोहम्मद कासिम है। तो कासिम और उनकी पत्नी ये एक घर में रहते, तो ये जिस घर में रहते थे उनके भाई हैं वो उसमें हिस्सा मांग रहे थे। कासिम अलग अलग रहते हैं, ये हासिम है और वो है कासिम। कासिम से हिस्सा मांग रहे थे क्योंकि ये जो मांग रहे थे इनसे, क्योंकि वो एक पुश्तैनी मकान में अपने रह रहे थे, ये पिता के साथ रहते थे। और इनका भाभी है, भाभी का कहना ये है कि भाभी हमको ज्यादा परेशान कर रही थी कि अगर हमें अभी हिस्सा नहीं मिला इस मकान पर तो बाद में भी हमें हिस्सा नहीं करना है। बच्चे से ऐसा कोई भी इनका विवाद नहीं था, लेकिन आक्रोश में आकर के इन्होंने ये थे और उसके बाद चाकू घर में छुपा दिए। अब चाकू को रिकवर किया गया है, इनकी पैंट, चाकू सबको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इनसे आप यदि पूछताछ करना चाहें तो ठीक है, बच्चे को इन्होंने आक्रोश में मारा है। कैसे? ये है कासिम। कासिम जो है वो अपने गए थे काम करने के लिए। कल जो बच्चा है, कल बच्चा की मद्रासा में पढ़ता था तो उनकी छुट्टी चल रही थी, उसकी छुट्टी चल रही थी तो उसने सोचा अब ये मौका सही है जब इसके पिता भी नहीं।